नए जिले की सौगात मिलने से मनेंद्रगढ़ के लोग काफी हर्षित हैं। इतना ही नहीं, जिला अस्पताल की सौगात मिलने से उनकी खुशी दुगनी हो गई है। एक साथ दो मांग पूरी होने से नगर के लोगों ने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल का जमकर स्वागत किया और उनका आभार जताया। मनेंद्रगढ़ वासियों की वर्षों पुरानी मांग पूर्ण हो चुकी है। जिले की सौगात मिलने से उनमें उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। खुशी में उस वक्त चार चांद लग गए जब विधायक के प्रयास स्वरूप 100 बिस्तर वाले अस्पताल की घोषणा भी हो गई। जिला उद्घाटन के दिन सीएम ने मनेंद्रगढ़ को 100 बिस्तर वाले अस्पताल संचालन की घोषणा की। दो मांग एक साथ पूर्ण होने पर क्षेत्र के लोग काफी खुश हैं और इस उपलब्धि के लिए उन्होंने क्षेत्र विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल को साधुवाद दिया है। लोगों ने विधायक का गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए उनके ऊपर फूल बरसाए और उनका आभार जताया। रूप से ये जो बड़ी मांग थी एमसीबी जिले की, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है और उसकी एक बड़ी सौगात जिला चिकित्सालय की चिमरी को मिला है, नगर निगम को मिला है, जो सबसे बड़ा क्षेत्र है। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि कभी भी जो जिला चिकित्सालय है, जितने भी जिले बने हैं, उसमें इस तरह से घोषणा नहीं हुई। तो ये बड़ी घोषणा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसके लिए उनका बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और चिमरी में और कैसे विकास हो, चिमरी में और कैसे सौगातें मिले, जिले की क्या क्या चीज़ें हैं, अभी 5 से 6 चीज़ें लगभग आ गई हैं और भी जो चीज़ें हैं उसको हम लेके आएंगे और चिमरी के विकास के लिए काम करेंगे। और आज व्यापारियों ने जो ये रैली निकाला, मैं पूरे व्यापारी साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रदर्शन करना चाहता हूँ। सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी क्योंकि विधायक जी की मांग पे उन्होंने हमारी चिरमिरी को जो जिला अस्पताल में सौगात दी है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जहाँ तक हमारा मानना है, मेरा मानना है कि हमारे चिरमिरी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत हॉस्पिटल की थी। हॉस्पिटल मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य की ज़रूरत हमारे चिरमिरी को सबसे ज़्यादा है। मैं ये नहीं बोलती कि हमारे चिरमिरी के लोगों की जो मांग थी मुख्यालय बनाने की वो गलत है, वो भी अपनी जगह बिल्कुल भी ठीक है, लेकिन जो हमारी प्राथमिक आवश्यकता है वो अभी यहाँ के हॉस्पिटल की है। अलग जिला बन जाने से निश्चित ही लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। लोगों को अब अपने काम के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। प्रशासनिक व्यवस्था मिल जाने से न केवल क्षेत्र का विकास होगा बल्कि लोगों की सुविधाओं में भी इजाफा होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कोरिया से मनोज श्रीवास्तव।